नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे भारतवर्ष में चमत्कारी जड़ी बूटियों की कमी नहीं है। अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां और वनस्पतियां यहां पर मौजूद हैं। दोस्तों, हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनमें बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में हम इनका प्रयोग नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो के क्रम में हम जो पेड़ जो पौधा हम आपको दिखा रहे हैं, देख लीजिए, अच्छे से इसकी पहचान कर लीजिए। दोस्तों, यह पेड़ अक्सर आपको मंदिरों के आसपास देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों, इसे लोग बालकनी में भी लगाते हैं, अपने घर के सामने भी लगाते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि यह बहुत ही दैवीय पेड़ है। इसका नाम है कनेर। इसे कनेर भी कहते हैं, इसे कनेर भी कहते हैं। दोस्तों, यह कनेर जो होता है प्रायः चार प्रकार का पाया जाता है, पीले फूल वाला, लाल फूल वाला, सफ़ेद फूल वाला और नारंगी फूल वाला। दोस्तों, सभी के गुण धर्म एक जैसे होते हैं। दोस्तों, ये कनेर बहुत ही औषधीय के साथ साथ इसमें ऐसे पोषक तत्व होते हैं, अगर सही ढंग से इसका प्रयोग किया जाए तो अनेक प्रकार की बीमारियों से मुक्ति मिल सकती है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि इस कनेर का किस बीमारी में आप किस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो और जानकारी थोड़ी सी भी पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है और हम आपके लिए ऐसी जानकारियाँ ढूंढ कर लाते रहते हैं। दोस्तों, ये कनेर जो होता है, अगर समुचित मात्रा में इसका प्रयोग किया जाए तो अमृत के समान होता है, और अगर इसकी मात्रा अधिक हो जाती है तो यह विष के समान होता है। इसलिए दोस्तों, सही ढंग से और समुचित प्रयोग किसी भी जड़ी बूटी का करना चाहिए। अगर आपको सिर दर्द की प्रॉब्लम है तो इसका प्रयोग करके सिर दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपके कमर में, जोड़ों में या किसी अंग में दर्द रहता है तो उससे आप इससे छुटकारा इसका प्रयोग करके पा सकते हैं। अगर आपको दाद खाज खुजली की प्रॉब्लम है तो आप कनेर के द्वारा उसे ठीक कर सकते हैं। अगर आपको घाव कहीं हो गया है, ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है, तो कनेर का प्रयोग करके अपने घाव को सही कर सकते हैं। दोस्तों, यह चेहरे के दाग धब्बे तथा पिंपल्स को मिटा देता है और आपके चेहरे पर नेचुरल निखार लाने का कार्य करता है। दोस्तों, अगर आपके दांत हिल रहे हैं या आपके दांत कमज़ोर हो चुके हैं तो उनको यह मजबूती प्रदान करता है। दोस्तों, दांतों का हिलना बहुत ही दिक्कत पैदा कर देता है, क्योंकि अगर आपके दांत कमज़ोर रहते हैं तो आप किसी चीज़ का स्वाद नहीं ले पाते हैं। अगर आपके दांत हिल रहे हैं, कमज़ोर हो चुके हैं, मसूड़ों में सूजन हो गया है तो आप सफ़ेद कनेर की दातुन कीजिए, इससे आपके दांतों का हिलना बंद हो जाएगा और आपके दांतों के कीटाणु भी समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आपके चेहरे पर पिंपल्स, दाग धब्बे या झाइयाँ हैं तो सफ़ेद कनेर के पुष्प को लाइए और पीस करके उसका पेस्ट अपने चेहरे पर लगाइए। 10 मिनट बाद इसे नॉर्मल वाटर से धो लीजिए। अगर आप नियमित रूप से एक सप्ताह तक प्रयोग कर लेते हैं तो आपके चेहरे के सभी दाग धब्बे, झाइयाँ, किल, मुहासे सभी समाप्त हो जाते हैं और आपका चेहरा सुंदर तथा सुडौल दिखता है। दोस्तों, अगर आपके जोड़ों में दर्द है, कमर में दर्द है तो आप क्या करें, आप सफ़ेद कनेर के फूल को लें, पीस करके इसका अच्छा सा पेस्ट बनाएं और सरसों के तेल में गर्म करके मालिश करें अपने जोड़ों पर या कमर में, तो आपके कमर और जोड़ों के दर्द से आपको छुटकारा दिला देता है। दोस्तों, यह दाद खाज खुजली के लिए बहुत ही रामबाण औषधि मानी जाती है। अगर आपको दाद खाज खुजली की दिक्कत है तो आप कनेर के पेड़ की जो छाल होती है, छाल को लाएं, पीस करके उसे तेल में पका लें। दोस्तों, इस तेल को अपने दाद खाज खुजली वाले पर स्थान पर लगाएं। तेल आप चाहें तो सरसों का भी ले सकते हैं, अन्यथा आप तेल कोकोनट ऑयल यानी नारियल का भी ले सकते हैं। अगर आप इसे 5 दिन तक लगातार लगाते हैं
तो आपका दाद खाज खुजली जड़ से समाप्त हो जाता है। दोस्तों, सिर दर्द होने पर आप इसके फूलों को कांजी में पका करके या इसे पीस करके इसका लेप अपने माथे पर लगाते हैं तो आपको सिर दर्द से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, अगर सफ़ेद दाग या कुष्ठ रोग की प्रॉब्लम किसी मरीज को है तो जैतून के तेल में इसका फूल पीस करके मिला करके पका के अगर लगाते हैं तो धीरे धीरे सफ़ेद दाग समाप्त होने लगते हैं और कुष्ठ रोग से भी छुटकारा मिलता है। दोस्तों, कनेर के पत्तों का पेस्ट तेल में पकाकर, सरसों के तेल में पकाकर लगाने से जोड़ों का दर्द नष्ट होता है। दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना ध्यान रखें। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय। नमस्कार दोस्तों।